हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी गार्डन। आज के इस केमिकल से भरे हुए चीज़ों के दुनिया में हम लोग चाहे तो कुछ चीज़ें ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। जैसे कि इस छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगा, ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड और पेस्टिसाइड बनाकर। तो ये देखिए, जो पहले मैं दिखा रहा हूँ ये है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। ये पौधों के ऊपर नेचुरल बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करता है। बायोलॉजिकली ये एक एसेंशियल स्पाइस है और सेकेंडरी इसके मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड बैक्टीरियल एजेंट्स। अब आते हैं ग्रीन चिलीज के ऊपर। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इसका भी सुंदर से इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये एफिड्स के पॉपुलेशन को घटाने में मदद करता है। अब बताते हैं क्लॉव्स यानी कि लौंग के बारे में। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में लौंग को पेस्ट कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है कि इसके अलावा एफिड्स के अलावा भी ये चींटियों और भी स्नेल्स को भगाने में भी मदद करता है। और ये है गार्लिक यानी कि लहसुन। इसमें है एंटीफिडेंट, बैक्टीरियल, फंगिसिडल एंड इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज़। ये इंसेक्ट्स के द्वारा दिए जाने वाले जो डिजीज़ होते हैं उसमें काम आता है। और फाइनली ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये तो हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है, जो करक्यूमिन नाम का एजेंट होता है, वो नेचुरल फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। ये हमारे हेल्थ के साथ साथ प्लांट के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, अब इस फंगिसाइड को बनाने के प्रोसेस के ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैंने ले लिया है इसको, सॉरी दोस्तों, मैंने हिंदी में इसे क्या कहते हैं अभी भूल गया हूँ, बंगाली में इसे हमान दिस्ता कहते हैं। इसको पीसने के लिए मैंने ये ले लिया है। तब अभी तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी है, जितना आप लोगों को बताया, सभी को मैं डालकर इसको थोड़ा पीस लूँगा। तो पहले जो है कि काली मिर्च और जो लौंग है इसको ले लिया है, क्योंकि सूखा है तो इसको पहले निकाल लूँगा। और कोई रीज़न नहीं है, सूखा है तो अभी ये आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जो है कि गार्लिक और जो है कि चिलीज उसको डालूँगा। इसमें बहुत सुंदर सा एक स्मेल आ रहा है, लग रहा है कोई खाना बन रहा है। तो चलिए, अब इसके बाद ये जो ग्रीन चिलीज है और गार्लिक है उसको एक साथ मैं थोड़ा पीस लूँगा। तो ये जो है, ये फंगिसाइड और पेस्टिसाइड मैं आप लोगों को आज बना के दिखा रहा हूँ। तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डन करना पसंद करता हूँ, तो इसी के लिए। तो चलिए बीच में बता देता हूँ कि जो हाफ लीटर पानी मैंने ले लिया है, तो अभी गैस जला लूँगा। और ये देखिए, पानी को डाल दिया है। अभी क्या करूँगा कि ये जो पिसा हुआ है, ये देखिए ऐसा, तो इसमें थोड़ा लगा हुआ है इसमें। तो जैसे कि ग्रीन चिलीज है तो बहुत तीखा होगा, तो इसके लिए मैं ये देखिए ऐसे इसको दे रहा हूँ, ये वेस्ट भी ना हो और मुझे तीखा भी ना लगे, क्योंकि ये आदत नहीं है ना ऐसा चिलीज वगैरह। देखिए, जैसे कि मम्मी लोग जब करते हैं तो हाथ से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि उसको हैबिट हो चुका है ऐसा करते करते, और हमें तो आदत नहीं है, तो इसके चलते थोड़ा स्किन को लगेगा, तो इसके लिए और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए, मैंने डाल दिया है अभी जो क्लॉव्स और जो है कि ब्लैक पेपर है और टर्मरिक यानी कि हल्दी है, सभी को एक साथ डाल दूंगा ऐसे। और जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखूंगा। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा और उसके बाद इसको उबालने के लिए छोड़ दूंगा। और एक बात के, जो किचन का आपका खिड़की वगैरह है उसको खोल देना। इसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये जो उबलता है और इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, इससे बहुत तकलीफ़ होगा नहीं तो। तो खिड़कियों को खोल देना तो हवा बाहर चला जाएगा, तो नहीं तो पूरा घर भर जाएगा। तो ऐसे ही मैंने तो खिड़की खोल दिया था, तो तब भी पूरा घर जो है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे कि बंगाली में हम कहते हैं झाझा लो गंधो, तो वैसे ही
एक था, तो दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा मास्क वगैरह लगा कर आप लोग ये करना, ये हानिकारक तो नहीं है ना। तो ये देखिए बात करते करते भी हो भी चुका है, मैंने गैस को बंद भी कर दिया है, देखिए हाफ हो चुका है। तो 15 मिनट तक इसको उबाल लिया है और ये देखिए ठंडा करके इसको छान लेंगे, नहीं तो जो स्प्रेयर में चोक्ड हो जाएगा। तो इसके लिए इसको छान कर रख देंगे, देखिए ऐसे। अब ये देखिए लीटर, एक लीटर जितना पानी है, तो इसमें क्या करूँगा, ये देखिए ऐसे इसको मेज़रमेंट के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो एक लीटर में आप 60 ml जितना ऐड कर सकते हो, जो फंगीसाइड तैयार होके मैंने ले लिया है। और बहुत ज़्यादा अगर अटैक हो इंसेक्ट्स का, जैसे कि मेरे पैन में आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक है, तो इसके लिए मैं 80 ml इसमें ऐड करूँगा। तो ये है मेरा लेमन प्लांट, जिसमें अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है, एफिड्स ने अटैक कर रखा है इसमें। तो ये तो मैंने देखा था, तो आप लोगों को दिखाने के लिए भी सोचा उसके बाद के इसको ऑर्गेनिक वे में कैसे इसको नष्ट करे पूरी तरह जो इंसेक्ट्स है इसको। तो दिखाते दिखाते थोड़ी देर हो गया, तो इसी के चलते अटैक थोड़ा बढ़ गया, लेकिन कोई नहीं, इसको भी दिखाऊंगा कि ये भी जा सकता है। और ये देखिए जो एंट्स चारों ओर चल रहा है, या आप लोग सोच रहे होंगे कि एंट्स, चलिए अच्छा है कि एंट्स एफिड्स को खा लेगा है तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एफिड्स खाते वक्त, यानी कि प्लांट को रस चूसते वक्त, तो इसके मुंह से एक हनी जैसा कुछ निकलता है, तो उसी के चलते एंट्स चारों ओर रहता है, नहीं तो एंट्स बिल्कुल भी एफिड्स को खाना पसंद नहीं करता है। तो चलिए बोलते बोलते ये देखिए ऐसे मैंने स्प्रे कर रहा हूँ, तो सभी पूरा जो प्लांट है पूरे में ही, सिर्फ अटैक वाले जो एरिया है उसमें ही नहीं, पूरा प्लांट में आप लोग इसको अच्छी तरीके से स्प्रे करना। एफिड्स प्लांट्स के जो रस है उसको चूसता है, साथ ही साथ बहुत तेज तादाद में ये बढ़ता है। इसमें देखिए पत्तियों को पूरा, जो प्लांट में कह सकते हो प्लांट को पूरा ढक चुका है, वाइट फ्लाइज भी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें है। तो हम अच्छी तरीके से पूरे प्लांट में इसको स्प्रे कर देंगे, और जैसे कि ऐसा अगर अटैक ज़्यादा हो तो 10 दिन बाद आप लोग फिर से एक बार प्लांट में स्प्रे कर सकते हो। और ये मैं यूज़ करके देखा, उसके बाद ही आप लोगों को ये वीडियो डाला, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, प्लांट को हानि नहीं पहुँचेगा। ये देखिए इसमें भी ये इतना नहीं था, तो मैं सच में कह रहा हूँ कि इतना नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत देर कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वीडियो बनाने के लिए, तो इसमें ये तेज तादाद में बढ़ चुका है। ये है मेरा छोटा सा एक कैप्सिकम प्लांट, इसको भी नहीं छोड़ा, इसमें भी पूरा अटैक कर चुका है। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, इसको भगाने की तैयारी कर सकते हैं, तैयारी तो हो चुका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए इसमें पूरा प्लांट में अच्छी तरीके से मैं इसको स्प्रे कर दूंगा, ऊपर के हिस्से में तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नीचे के हिस्से देखिए ऐसे हमको उठाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे जो है कि देखिए ऐसे करके फिर स्प्रे कर देना, पूरा प्लांट में किसी भी हिस्से को मत छोड़ना। ये देखिए जो अटैक हो चुका था इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि पीला पड़ चुका है, लेकिन पीला पड़ने के एक वजह है कि ये जो है कि मूली को निकालने का वक्त हो चुका था, तब भी ये हुआ था, तो ऐसा ऐसा मूला सूखना स्टार्ट कर चुका था, तो इसके लिए। और जैसे कि एफिड्स को निकालना तो पड़ेगा ही, तो नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो रस है उसको चूस लेता है, पीला पत्तियाँ भी उसके बाद पीला पड़ जाता है, जो फ्रूट्स है वो भी सिकुड़ जाता है, जो मूले के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो इसी के लिए पूरा योलो पड़ चुका है। और ये देखिए ये जो है कि लेमन प्लांट बताते बताते थोड़ा आ चुका है आगे, तो इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा अटैक हो चुका था, तो ये भी लगभग सभी एफिड्स ख़त्म हो चुका है, और देखिए एंट्स भी नहीं है। और ये देखिए जो कैप्सिकम प्लांट है इसमें भी देखिए
कितने बढ़िया तरीके से ये जो पेस्टिसाइड जो फंगीसाइड है ये काम कर चुका है, ये आप लोग देख ही चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर इसको घर पे तैयार करके अपने प्लान को देना और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमेशा शामिल रहना। सिर्फ हमारे प्लान के लिए नहीं, जितना हो सके हम ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग कर सकते हैं, ये पूरा एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा है। बातों बातों में तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बताना भूल गया कि जब फंगीसाइड आप स्प्रे कर रहे हो तो या फिर आप अर्ली मॉर्निंग करना या फिर सनलाइट चला जाने के बाद शाम के वक्त। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।